ये है 3 बजने वाले हैं। वैसे कहा जाता है कि 3 बजे के टाइम पर भूत सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं, आज खाना खा रहा हूं यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठ के। बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट है, कभी आना यार, देखो क्या खूबसूरत रेस्टोरेंट है भाई, मजा आ गया, फील लाइक होम कह सकते हैं, नाइट शिफ्ट। और मेरे साथी लोग भी बैठे हैं, पर मिलाता हूँ आपसे। काफी दिनों से मैं इनएक्टिव था क्योंकि काम कुछ ज्यादा ही था ना, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए भाई, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो दिन आज ही हो। मस्त डेकोरेशन है, बिल्कुल देखो यार, मजा आ गया। अरे क्या बात है यार, जो ये बल्ब है ना, ये मतलब इनका लुक एंड फील देखो, रस्सी से बने हुए, बिल्कुल मस्त, सुपर, बिल्कुल यार, जोड़ से बधे हुए ठहरे, जोड़ से जोक्स अपार्ट, तो खाना खा रहे हैं। और एक्चुअली टुडे आई एम इन नाइट शिफ्ट। जो सोफे हैं ना बड़े मस्त हैं यार, बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है, मस्त रॉयल वाले। अरे कैलाश भैया हमारे लिए लगा रहे खाना, ये बिल्कुल मस्त तरीके से, कूल। ओह अभी देखो किस तरह से लोग आएंगे, कैसे से बात करेंगे। हमें कन्फेशन रूम में बुलाया या बैठो बैठो जल्दी बैठो, कन्फेशन इसको तो ये भाई कोई नहीं है, कोई भी जानता होगा। ये देखो सैल्यूट सैल्यूट। अरे खड़कुदा टिंग टिंग प्रस्तुत करता है नमन के ब्लॉग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब में बांटें, धन्यवाद, और साथ में खाएं। अबे कैसा चम्मच है ये, कैसा है, कहाँ से उठा के लाए, कैसा है चम्मच, ऐसा चम्मच कौन से, देखो बिल्कुल वैसे ही है ये देखो उल्टा करो ना, ये कैसे, ऐसा चम्मच है कैसा कर रखा है, टेढ़ा। अबे क्या इतनी सारी रोटी दे रखी, तो हम खाना खाते हैं और फिर एकदम शानदार स्वादिष्ट खाना। बंदे पागल हो गए भाई। अरे मीठा क्या खाने में, मीठा चीनी, वो जरा मीठा बनाया, मीठा तेरी माँ के एक बहुत जम के खा लिया, पेट भी भर गया, और तो बोली नहीं निकल रही अब कैसे हंसी थी खिला देगी, ये क्यों रखना हुआ, हट जाओ निकल जाएगी। पिछले 3 दिनों से हम लोग इसी तरह बिल्कुल मेहनत मशक्कत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही होनहार और क्या बोलते हैं, होनहार और क्या, हम काबिल आर्टिस्ट। हाँ इधर जाएंगे, तो यहाँ क्यों ला रहा था, ऐसे कौन देखता है, हम देखते हैं, हम सोना भी भूल गए अब तो, है ना, हम सोना और चांदी क्या होता है, हम कभी कभी होता है डेडलाइन जब होती है ना तो ऐसी हालत हो जाती है, अपने आप ही हंसी आती है। मुंह धोने आया था मैं वैसे तो धो लिया, थोड़ा सा और अभी कितना और टाइम भाई, ये टाइम का है मतलब टाइम की भी फुर्सत नहीं है, 12:30 होने वाला है,
तीन दिन से हम लगातार एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है। One more drink. ये है मेरी कॉफी। नींद आ रही तो मैं कॉफी पीऊंगा। इतना छोटा सा कप है, ये तो गायब हो गया। खत्म। अरे ओमी सर कॉफी पी लो। आगे भी दिखाना है। अच्छा इधर भी है। ये कॉफी पियो। ये कॉफी है कि शराब या नींद है, क्या बोलूं मैं। फिर काम करता हूँ। ये भाई और इनकी भी डालूंगा मैं ग्रुप। और मेरी भी कमर कट गई है। देखो मैं पड़ेगा। हाँ हाँ और कट गया उसकी भी अकड़ गई है। ये देखो क्या चीज़ वाला ये और आगे चल गया। नींद आ रही थी ना तो क्या है कि हम लोग खड़े हो गए ऐसी। अभी ये क्या करें हम, एक एक करके हमारी कमर दर्द हो गई है भाई। तेरी भी हो रही होगी। नमस्कार, क्या आज हमारी तीसरी नाइट है मेरे ख्याल से। हाँ ये तीसरी नाइट है, हो सकता है कल चौथी भी हो। पता नहीं यह है रात का नज़ारा। रात के 3 बज रहे हैं। एकदम सुनसान सड़कें, सुनसान। ये सिर्फ मैं हूँ और मेरी ही आवाज़ गूंज रही है। सब कुछ एकदम सुनसान। ये है 3 बजने वाले हैं। वैसे कहा जाता है कि 3 बजे के टाइम पर भूत सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। करेक्शन है, क्या करेक्शन है? कुछ नहीं है, हॉरिजन में फैश रिमूव कर। ओहो तो ये मेरा करेक्शन थोड़ा हो। अब तो नींद आने लगी भाई। बस थोड़ा सा और का फिर जाता हूँ घर को। सुबह के बज गए 4 और आंखों में छा गया अंधकार। लेट्स गो। बाहर हो रहा है भाई कोहरे वाला मौसम और हल्की हल्की सी बारिश। तो सुबह के 4 बज गए हैं और काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मैं तो निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई बहुत तेज नींद है ना। और मौसम हो रहा है बिल्कुल खतरनाक ठंडा, एकदम कोहरा ही कोहरा। तो मैं निकलता हूँ और देखते हैं बाकी बंदे कब निकलते हैं। वो निकलने वाले हैं वैसे आधे घंटे में, लेकिन अब मैं निकल रहा हूँ। तो मिलते हैं। पानी, बारिश, सही बारिश। तो ये है एकदम घना कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा सामने, बस एक गाड़ी आती नजर आ रही है और मेरी बाइक बंद हो गई बीच रोड पे। तो ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।